स्टूडेंट्स क्लास 5 के इंग्लिश पीरियड में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने हमारी पाठ्यपुस्तक का सेकंड चैप्टर लेट्स लर्न प्राणायाम पढ़ा था और उसकी ग्लोसरी देखी थी। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, जिसमें सबसे पहले एक्टिविटी फर्स्ट है। एक्टिविटी फर्स्ट का एक क्वेश्चन है, पुट द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्राणायाम इन करेक्ट ऑर्डर। नीचे जो चित्र दिए हैं इसमें प्राणायाम के कुछ स्टेप दिए गए हैं, इन्हें सही क्रम में हमें लगाना है। तो देखिए इधर, ये है इसका सही क्रम। सबसे पहले सीधे पद्मासन की मुद्रा में बैठ जाना, फिर सांस को अंदर लेना, फिर सांस को बाहर निकालना, फिर दाएं छिद्र से सांस को अंदर लेना और बाहर निकालना। ये क्रम चलता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये क्रम आपको ध्यान चल गया। आपको किताब में ही इनके नीचे इनके सही क्रम लिख देने हैं। इसके बाद में हमारा सेकंड क्वेश्चन जो बी है वह है, इन पिक्चर्स को, इन चित्र के साथ पिक्चर्स को इस सही नाम के साथ मिलाना है कि कुंभक कौन सा है, रिचक कौन सी प्रक्रिया है और पौरक का चित्र कौन सा है। तो इधर देखिए, ये है सही प्रक्रिया। जो सबसे लास्ट वाला चित्र है वह कुंभक है, सबसे ऊपर वाला चित्र वह रिचक का है और बीच वाला जो चित्र है वो पौरक का है। तो इस तरीके से हमें भी किताब में ही इनको मिलान करना है। इसके बाद में डी है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पांच क्वेश्चंस हमको दिए गए हैं, इनके उत्तर हमें लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड नितिन एंड शिवम गो वन डे। वेयर डिड नितिन एंड शिवम गो वन डे इन द मॉर्निंग, यानी एक सुबह शिवम और नितिन कहाँ गए थे। तो इसका आंसर है, नितिन एंड शिवम वेंट टू ए पार्क वन डे इन द मॉर्निंग। नितिन एंड शिवम वेंट टू ए पार्क वन डे इन द मॉर्निंग। सेकेंड जो क्वेश्चन है वह है हमारा, व्हाट इज प्राणायाम। प्राणायाम क्या है, क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज प्राणायाम। प्राणायाम क्या है, तो इसका आंसर देखेंगे हम। इसका आंसर है, प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेथ। सांसों को नियंत्रित करना और उसका विस्तारण करना, वह क्या है, प्राणायाम। प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेथ। आगे थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम। व्हाट आर द बेनिफिट्स, बेनिफिट्स का अर्थ क्या होता है, फायदे ऑफ प्राणायाम। यानी तीसरा प्रश्न ये हमसे पूछ रहा है कि प्राणायाम के क्या फायदे हैं। तो इसका आंसर देखेंगे, बाय प्रैक्टिसिंग प्राणायाम वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट एंड ब्लड प्रेशर, इट इंक्रीज आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यानी बाय प्रैक्टिसिंग, यानी अभ्यास के द्वारा, किसके अभ्यास के द्वारा, प्राणायाम। तो प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट, हम हमारी सांस लेने की जो गति है उसको कम कर सकते हैं। एंड ब्लड प्रेशर, और हमारा जो रक्त प्रवाह है, जो रक्तचाप है, उसको भी हम कम कर सकते हैं। इट इंक्रीज आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी ये हमारी जीवन क्षमता को बढ़ाता है। तो प्राणायाम से हमारी ब्रीथिंग रेट कम होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है और लाइफ की जो क्षमता है, जीवन की जो हमारी जीने की क्षमता है, उसको बढ़ाता है। आगे फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज पूरक। पूरक क्या है, तो इसका आंसर देखिए, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन इज कॉल्ड पूरक। यानी सांस को अंदर लेना क्या कहलाता है, पूरक कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन इज कॉल्ड पूरक।
द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन इज कॉल्ड पूरक, श्वास को अंदर लेना पूरक कहलाता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू क्लोज योर राइट नोजस्ट्रिल वाइल डूइंग रीचेक। हाउ डू यू क्लोज यानी आप कैसे बंद करते हैं योर राइट नोजस्ट्रिल अपने दाएं नाक के छिद्र को वाइल डूइंग रीचेक। जब आप रीचेक का अभ्यास कर रहे होते हैं तो उस समय किस प्रकार से अपने दाएं छिद्र को बंद करते हैं, तो हम अंगूठे से बंद करते हैं। तो इसका आंसर देखेंगे हम, वाइल डूइंग रीचेक वी प्रेस ओवर राइट नोजस्ट्रिल विथ थंब टू क्लोज इट। रीचेक के दौरान वी प्रेस ओवर, प्रेस यानी दबाव देते हैं, दबाते हैं ओवर राइट नोजस्ट्रिल हमारे दाएं नासा छिद्र को विथ थंब अंगूठे के साथ टू क्लोज इट इसे बंद करने के लिए। तो रीचेक के दौरान हम अपने दाएं नासा छिद्र को बंद करने के लिए इसे अंगूठे से दबाते हैं। आगे ये हमारे पांचों क्वेश्चन और आंसर हो गए हैं, आप ठीक से कॉपी में करना, सीधा आपको ग्लॉसरी के बाद क्वेश्चन आंसर ही करने हैं। अब एक्टिविटी सेकंड में ए है, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे कुछ लेटर्स, कुछ वर्ड हमें दिए गए हैं जिनके बीच बीच के कुछ अक्षर छूटे हुए हैं, हमें इन अक्षरों को पूरा करना है। तो फर्स्ट जो है वो हमारा है NSTRL, बीच के अक्षर हमारे छूटे हुए हैं, तो ये मीनिंग क्या है, नोजस्ट्रिल। तो फर्स्ट में आएगा NOSTRIL, NOSTRIL, नोजस्ट्रिल, NOSTRIL, नोजस्ट्रिल। सेकंड जो है वो है हमारी ब्रीथ, BREATHE, BREATHE, ब्रीथ, ब्रीथ यानी श्वास लेना, BREATHE, ब्रीथ। थर्ड है हमारी थाई, THIGH, THIGH, थाई। फोर्थ है हमारी थंब, थंब यानी अंगूठा, तो THUMB, थंब, THUMB, थंब। पांचवा है एंकल, ANKLE, ANKLE, एंकल। सिक्स है रिलीज, RELEASE, रिलीज, RELEASE। तीन खाली जगह आएगा, दो में ई और एक में ए, RELEASE। तो ये क्वेश्चन आंसर्स और मिसिंग लेटर्स आपको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षरों में करने हैं। धन्यवाद।